गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, और एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। और आज हम आपके लिए एक बार फिर से यहाँ पर करंट अफेयर से जुड़े हुए जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते थे वो लेके आए। तो दोस्तों, सबसे पहले जिन्होंने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा। हमने आपके लिए यहाँ पर व्हाट्सअप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप बना रखे हैं। जिन्होंने अब तक ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया, प्लीज़ ग्रुप को ज्वाइन कीजिएगा। और यहाँ पर आपको मिलेंगे जो भी नए अपडेट्स रहेंगे UGC को लेकर, वो आपको यहाँ पर मिलते रहेंगे। और इंस्टाग्राम पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं, और इन सब के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर रखे हैं। तो जिन्होंने ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया, प्लीज़ ग्रुप को ज्वाइन कीजिएगा। और प्ले स्टोर पर जाइए दोस्तों, फिल्लर फॉर्म एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कीजिए। रजिस्ट्रेशन रहेगा बिल्कुल फ्री है, यहाँ पर आपको कोई पेमेंट रजिस्ट्रेशन का नहीं करना पड़ेगा। आपको मॉक टेस्ट, नोट्स, क्लासेस, लाइव क्लासेस, 5000 प्लस MCQ प्लस PYQ क्वेश्चन एंड बुक्स, सब कुछ यानी कंटेंट आपका बिल्कुल फ्री रहेगा। तो आप यहां पर प्ले स्टोर पर आपको मिल जाएगा। और जिन्होंने अब तक फिलर फॉर्म को डाउनलोड नहीं किया, प्लीज़ डाउनलोड कीजिए। अब बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चंस की तरफ और स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस देश ने हाल ही में दुनिया के सबसे बड़े 60 MW पीक सौर फोटोवोल्टिक फार्मा में से एक का अनावरण किया है। तो किस देश ने दुनिया के सबसे बड़े 60 MW फिक्स और फोटोवोल्टिक फार्मा में से एक का अनावरण किया है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज रिसेंटली अनवील्ड वन ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट 60 MW पिक सोलर फोटोवोल्टिक फार्म। ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी भारत, ऑप्शन डी सिंगापुर, ऑप्शन ई वियतनाम। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी सिंगापुर। सिंगापुर ने दुनिया के सबसे बड़े फ्लोटिंग सोलर पैनल फार्मा में से एक अनावरण किया, जो कि द्वीप के 5 जल उपचार संयंत्रों को बिजली देने के लिए पर्याप्त बिजली का उत्पादन कर सकता है। सिंगापुर अनवील्ड वन ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पैनल फार्म्स विच कैन प्रोड्यूस इनफ इलेक्ट्रिसिटी टू पावर द आइसलैंड 5 वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दुनिया के पहले वाणिज्यिक मॉड्यूलर छोटे रिएक्टर का नाम क्या है, जिसका निर्माण हाल ही में चीन में शुरू हुआ है। SMR का क्या नाम है, जो कि चीन में इसका कार्य शुरू हुआ है। कि व्हाट इज़ द नेम ऑफ द वर्ल्ड्स फर्स्ट कॉमर्शियल मॉड्यूलर स्मॉलर रिएक्टर, द कंस्ट्रक्शन ऑफ विच वाज रिसेंटली बिगन इन चाइना। ऑप्शन ए लिंग लॉन्ग वन, ऑप्शन बी चांग जियांग, ऑप्शन सी दयाबे, ऑप्शन डी किसान SMR या ऑप्शन ई हुआ नेंग। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए लिंग लॉन्ग वन। चीन ने आधिकारिक तौर पर देश के हेनान प्रांत में चांग जियांग परमाणु ऊर्जा संयंत्र में दुनिया के पहले वाणिज्यिक मॉड्यूलर छोटे रिएक्टर लिंग लॉन्ग वन का निर्माण शुरू कर दिया है। चाइना हैज ऑफिशियली बिगन द कंस्ट्रक्शन ऑफ द वर्ल्ड्स फर्स्ट कॉमर्शियल मॉड्यूलर स्मॉलर रिएक्टर लिंग लॉन्ग वन ऑफ एट द चांग जियांग न्यूक्लियर पावर प्लांट इन द कंट्रीज हेनान प्रोविंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाबर आजम हाल ही में आसिम अमला विराट कोहली को पछाड़कर 14 एक दिवसीय शतक बनाने वाले सबसे तेज बल्लेबाज बन चुके हैं। तो बाबर आजम जो कि पाकिस्तान के क्रिकेटर हैं, और उन्होंने यहां पर जो विराट कोहली और आसिम अमला को भी पछाड़कर 14 एक दिवसीय शतक बनाने वाले सबसे तेज बल्लेबाज हैं। तो उन्होंने कितनी पारियों में उपलब्धि हासिल की है। बाबर आजम रिसेंटली बिकम द फास्टेस्ट बैट्समैन टू स्कोर 14 ODI सेंचुरी सरपासिंग हासिम अमला विराट कोहली। ही अचीव दिस फीट इज इन हाउ मेनी इनिंग। ऑप्शन है 76, ऑप्शन बी 81, ऑप्शन सी 84, ऑप्शन डी 98 या ऑप्शन ई 100। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 81। पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम ने इंग्लैंड के खिलाफ शतक के साथ पारी के मामले में 14 एक दिवसीय शतक बनाने वाले सबसे तेज बल्लेबाज बन गए हैं, जिन्होंने 81 पारी में यहां पर जो शतक बनाए। आसिम अमला ने 84 में, भारतीय कप्तान विराट कोहली ने 103 और ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज डेविड वार्नर को भी यहां पर पीछे छोड़ दिया है। पाकिस्तान कैप्टन बाबर आजम विद द सेंचुरी ही स्कोर अगेंस्ट इंग्लैंड बिकम द फास्टेस्ट बैट्समैन टू नॉच अ 14 ODI सेंचुरी इन टर्म ऑफ इनिंग सरपासिंग द लाइक्स ऑफ आसिम अमला 84, इंडियन कैप्टन विराट कोहली 103 एंड ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन डेविड वार्नर 98। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन इजराइल में दूतावास खोलने वाला पहला खाड़ी राज्य बन गया है। तो इजराइल में दूतावास खोलने वाला पहला खाड़ी राज्य कौन बन गया है।
विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ बिकम वन गल्फ स्टेट टू ओपन एम्बेसी इन इसराइल। ऑप्शन ए बहरीन, ऑप्शन बी कुवैत, ऑप्शन सी संयुक्त अरब अमीरात, ऑप्शन डी ओमान, ऑप्शन ई कतर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी यूएई। दोनों देशों द्वारा राजनयिक संबंधों को सामान्य करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर करने के लगभग एक साल बाद संयुक्त अरब अमीरात इसराइल में दूतावास खोलने वाला पहला खाड़ी देश बन गया है। नया मिशन तेल अविव स्टॉक एक्सचेंज बिल्डिंग में स्थित है। द यूनाइटेड अरब अमीरात हैज़ बिकम द फर्स्ट गल्फ नेशन टू ओपन एन एम्बेसी इन इसराइल नियरली ए ईयर आफ्टर बोथ कंट्रीज साइन एन एग्रीमेंट टू नॉर्मलाइज डिप्लोमेटिक टाइज। द न्यू मिशन इज लोकेटेड इन तेल अविव स्टॉक एक्सचेंज बिल्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य सरकार ने हाल ही में इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी योजना 2021 शुरू की है। विच स्टेट गवर्नमेंट है रिसेंटली लॉन्च इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी स्कीम 2021। ऑप्शन आंध्र प्रदेश सरकार, ऑप्शन बी सिक्किम सरकार, ऑप्शन सी तेलंगाना सरकार, ऑप्शन डी केरल सरकार, ऑप्शन ई कर्नाटक सरकार। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ई कर्नाटक सरकार। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बी एस येदियुरप्पा ने कर्नाटक इलेक्ट्रिक बाइक टैक्स योजना 2021 का अनावरण किया है। यह सार्वजनिक परिवहन और दैनिक यात्रियों के बीच एक सेतु का काम करेगा। कर्नाटक का चीफ मिनिस्टर बी एस येदियुरप्पा हैज़ अनवील्ड द कर्नाटक इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी स्कीम 2021। दिस विल सर्व एज अ ब्रिज बिटवीन पब्लिक ट्रांसपोर्ट एंड डेली कम्यूटर्स। नेक्स्ट है, इंडियन अकेडमी ऑफ हाईवे इंजीनियर ने सेंटर फॉर एडवांस ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी एंड सिस्टम स्थापित करने के लिए न्यू साउथ वेल्स विश्वविद्यालय के साथ समझौता किया। इंडियन अकेडमी ऑफ हाईवे इंजीनियर्स ने सेंटर फॉर एडवांस ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी एंड सिस्टम स्थापित करने के लिए न्यू साउथ वेल्स विश्वविद्यालय के साथ समझौता किया। इंडियन अकेडमी ऑफ हाईवे इंजीनियर इंस्पेक्ट विद यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू साउथ वेल्स टू सेटअप सेंटर फॉर एडवांस ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी एंड सिस्टम। ऑप्शन ए वाराणसी, ऑप्शन बी नोएडा, ऑप्शन सी सूरत, ऑप्शन डी देहरादून, ऑप्शन ई लेह। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी नोएडा। सड़क परिवहन और राज्य मार्ग मंत्रालय के तहत इंडियन एकेडमी ऑफ हाईवे इंजीनियर्स ने नोएडा उत्तर प्रदेश में उन्नत परिवहन प्रौद्योगिकी और प्रणालियों के लिए केंद्र स्थापित करने के लिए ऑस्ट्रेलिया के न्यू साउथ वेल्स विश्वविद्यालय के साथ एक समझौता किया है। द इंडियन अकेडमी ऑफ हाईवे इंजीनियर्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज हैज़ इंक्ड एन एग्रीमेंट विद द यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू साउथ वेल्स ऑस्ट्रेलिया फॉर सेटिंग अप ए सेंटर फॉर एडवांस ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी एंड सिस्टम इन नोएडा उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है कि अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और कन्वेंशन सेंटर का नाम बताइए जिसका हाल ही में पीएम मोदी ने उद्घाटन किया था। नेम द इंटरनेशनल कोऑपरेशन एंड कन्वेंशन सेंटर विच वाज रिसेंटली इनॉग्रेटेड बाई पीएम मोदी। ऑप्शन ए रुद्राक्ष, ऑप्शन बी रक्षक, ऑप्शन सी नेत्र, ऑप्शन डी शक्ति, ऑप्शन ई सूत्र। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए रुद्राक्ष। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने वाराणसी उत्तर प्रदेश में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और कन्वेंशन सेंटर रुद्राक्ष का उद्घाटन किया। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज इनॉग्रेटेड द इंटरनेशनल कोऑपरेशन एंड कन्वेंशन सेंटर रुद्राक्ष इन वाराणसी उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है, मंडुआडाई रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर रेलवे स्टेशन कर दिया। तो मंडुआडीह है रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर यहाँ पर चेंज कर दिया। और क्या इसका नाम रखा गया है? मंडुआडीह रेलवे स्टेशन रीनेम एज रेलवे स्टेशन। ऑप्शन ए सरदार पटेल, ऑप्शन बी नरेंद्र मोदी, ऑप्शन सी बनारस, ऑप्शन डी बॉम्बे, ऑप्शन ई उत्कल रेलवे स्टेशन। ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी बनारस रेलवे स्टेशन। पूर्वोत्तर रेलवे द्वारा मंडुआडीह रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर बनारस रख दिया गया है। द मंडुआडीह रेलवे स्टेशन हैज बीन फाइनली नेम एज बनारस बाय द नॉर्थ ईस्टर्न रेलवेज। नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग टीम विल रिप्रेजेंट इंडिया इन एएफसी वुमेन्स क्लब सी सिप। तो विच ऑफ द फॉलोइंग टीम विल बी रिप्रेजेंट इंडिया इन एएफसी वुमेन्स क्लब सिप। तो एएफसी वुमेन्स क्लब सिप में इंडिया को कौन यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रही है? तो कौन सी टीम यहाँ पर इंडिया को रिप्रेजेंट कर रही है? ऑप्शन ए पुणे सिटी एफसी, ऑप्शन बी अलकापुरा एफसी, ऑप्शन सी क्रिप्सा एफसी, ऑप्शन डी गोकुलम केरला एफसी, ऑप्शन ई एजवल एफसी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी गोकुलम केरला एफसी। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ ने एएफसी क्लब चैंपियनशिप 2020-21 में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए
गोकुलम केरला AFC को नामित किया है। ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन हैज़ नॉमिनेटेड गोकुलम केरला AFC टू रिप्रेजेंट इंडिया इन द AFC क्लब चैंपियनशिप 2020-21। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 जुलाई 2021 को स्किल इंडिया मिशन की वर्षगांठ के अवसर पर राष्ट्र को संबोधित किया है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 जुलाई 2021 को स्किल इंडिया मिशन की कौन सी वर्षगांठ थी जिसके अवसर पर राष्ट्र को संबोधित किया। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज एड्रेस द नेशन ऑन July 15, 2021 ऑन द ओकेजन द एनिवर्सरी ऑफ स्किल इंडिया मिशन। ऑप्शन ए 4th, ऑप्शन बी 5th, ऑप्शन सी 8th, ऑप्शन डी 7th, ऑप्शन ई 6th। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ई 6th। विश्व युवा कौशल दिवस 2021 और कौशल भारत मिशन की 6th वर्षगांठ के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 जुलाई 2021 को राष्ट्र को संबोधित किया। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज एड्रेस द नेशन ऑन July 15, 2021 ऑन द ओकेजन ऑफ वर्ल्ड यूथ स्किल डे 2021 एंड द 6th एनिवर्सरी ऑफ द स्किल इंडिया मिशन। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो को पूरा देखने के लिए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।